आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। मोहम्मद शमी एक ऐसा नाम है जो आजकल सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाए भी हुए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच और फाइनल में हिंदुस्तान का हार जाना, ऑस्ट्रेलिया का जीत जाना, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका तो था, लेकिन साथ ही साथ जो टीम इंडिया के प्लेयर्स हैं उनके लिए देश भर से जो प्यार उमड़ा वो बड़ा तारीफ़ काबिल था। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम में चले गए और वहाँ पर उनके साथ मिलना, हाथ मिलाना, उनका हौसला बढ़ाना, उदास चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करना, और जो इस पूरे वीडियो में लाइमलाइट ले गए वो मोहम्मद शमी ही ले गए, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूँ आगे लाकर अपने गले लगा लिया और ये कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हार गए तो हार जीत तो खेल में लगी रहती है। जब रोहित शर्मा उदास दिखे तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्कुराइए भाई, देश आपको देख रहा है। विराट कोहली के भी अच्छे खेलने की तारीफ की, हर प्लेयर ने अपना 100% परफॉर्म किया था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि अभी चर्चा में है, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आपने देखा होगा वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है और उसके बाद से ही एक अलग तरीके से इस पर सियासत भी हो रही है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अलग अलग बयान दे रही हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिकेट अलग रखिए, सियासत अलग रखिए। अगर देश के प्रधानमंत्री प्लेयर से मिलने पहुँचे भी हैं तो उसे सियासत से जोड़ना क्यों है। ऐसे में अलग अलग पॉलिटिशियंस ने अलग अलग बयान भी दिए, मैं यहाँ किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगी, आप सभी जानते हैं, लेकिन दिल जीत ले गए यहाँ पर मोहम्मद शमी। जब अगर कोई अभिनेता या अभिनेत्री या फिर कोई खिलाड़ी अगर राजनीति से प्रेरित दिखता है या फिर अपने बयानों में उस तरह की चीज़ें दर्शाता है तो लगता है कि भाई ये तो सियासत से कुछ इनका सांठगांठ है, लेकिन अगर कोई खिलाड़ी, अभिनेता या अभिनेत्री सिरे से इन्हें खारिज कर दे और कह दे कि हमारी कला ये है, इस पर हम फोकस कर रहे हैं, हमारा काम ये है, इस पर हम रहेंगे, तो बेहतर रहेगा। यही मोहम्मद शमी ने किया और जब सोशल मीडिया पर धीरे धीरे उनका ये बयान वायरल होने लगा तो फिर लोग अलग अलग तरीके से कॉमेंट कर रहे थे। लोग कह रहे थे भाई शमी हमारे पास एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतेंगे, क्योंकि जो दिल है वो कई बार वर्ल्ड कप के अलग अलग मुकाबलों में मोहम्मद शमी ने ऑलरेडी जीता था। वो मोहम्मद शमी जिन्हें टीम में रखा भी नहीं गया था, हार्दिक पांड्या चोटिल हुए, आउट हो गए, बाहर हो गए टीम से, तब मोहम्मद शमी को रखा गया और जो उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने सामने वाली टीम के विकेट झटके तो फिर सभी की जुबान पर मोहम्मद शमी का नाम होने लगा। बल्कि वर्ल्ड कप का जो फाइनल चल रहा था और जब हिंदुस्तानी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने अपना 100% परफॉर्म किया होगा ये अलग बात है, ऐसे में उम्मीद बहुत ज़्यादा हो रही थी जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही थी कि भाई मोहम्मद शमी कुछ तो जादू चला दो आप, कुछ तो कुछ ऐसा कर दो कि सामने वाली टीम के विकेट गिर जाए। एक विकेट लिया भी उन्होंने, लेकिन मोहम्मद शमी ने फिर भी जो उनके पिछले मैचेस में परफॉर्मेंस रही उसके बाद वो बैलेंस बनाए रखा और मोहम्मद शमी ने लोगों के दिल पर एक अलग छाप छोड़ी है। मोहम्मद शमी जो अपनी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरीके के चैलेंजेस से जूझे, फिर चाहे वो गरीब तबके के परिवार से आना हो, बचपन संघर्ष में बीतना हो, उत्तर प्रदेश से अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन नहीं होना हो, वेस्ट बंगाल जाकर वहाँ अंडर 20 में खेलना हो, या फिर टीम में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अलग अलग उतार चढ़ाव देखने हो, और अब जैसे मैंने कहा वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या की जगह उन्हें लिया गया जब हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए, वरना मोहम्मद शमी का नाम इतना ज़्यादा हमारी ज़ुबान पर नहीं होता। उन्हीं मोहम्मद शमी से जब लोगों ने पूछ लिया कि भाई प्रधानमंत्री आपकी ग्रीन रूम में गए थे, वहाँ जाने को लेकर एक अलग तरीके से बयान सामने आ रहे हैं या फिर उसको लेकर अलग तरीके से सियासत हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे, मोहम्मद शमी ने दिल जीत लिया। ये कहा कि टूटे हुए थे हम, बिखरे हुए थे, उस टाइम सहारे की ज़रूरत थी, अगर देश के प्रधानमंत्री आते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक हौसला और एक आत्मविश्वास मजबूत यहाँ पर होता है। फिर उनसे लोगों ने पूछ लिया कि भाई ये कहा जा रहा है कि पनौती वहाँ पर गए थे इसीलिए हम वर्ल्ड कप हार गए, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने एकदम सपाट जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सब राजनीति की बातें हैं, ये सब आप मुझसे पूछिए ही मत, इसे अपने पॉलिटिकल एजेंडे से दूर रखिए और मुझे उससे दूर रखिए, मुझे क्रिकेट समझ में आता है, मुझे खेल समझ में आता है और मेरी समझ वहीं तक रहने दीजिए। शमी ने जिस तरीके से बयान दिया है उनके बयान की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है और हाँ कहेंगे हम शमी तुम जैसे खेलते हो वैसे खेलते रहो और ये जो दिल है हमारा उसे बार बार जीतते रहो, देश भर से आपके लिए बहुत सारी दुआएँ हैं।